सब्सक्राइब कीजिए हमारे स्वाद ऑफिशियल चैनल को और इस घंटे को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना कर बैठे। मैं बिल्कुल भी 1% भी सरप्राइज नहीं हूँ कि वाराणसी में आके मुझे इतना अमेजिंग खाना मिल रहा है, क्योंकि मुझे पता ही था, मेरी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी थी कि मुझे बहुत अमेजिंग खाना मिलेगा। मैंने बहुत सारा खाना पीना एक्सप्लोर किया है और हमारा जो स्टॉप है वो है द मोस्ट फेमस काशी चाट भंडार, जो कि वाराणसी में ही स्थित है। और अब किसी से भी पूछ लीजिएगा कि आपको चाट खानी है और काशी चाट कहाँ पे, तो आपको कोई भी लेके चले जाएगा। और मुझे भी यहाँ पे लोग छोड़ के गए हैं कि आप आइए, हम आपको बताते हैं कहाँ पे काशी चाट भंडार है। अपनी चाट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, 3 बजे से रात को 10:30 बजे तक खुलता है, लेकिन एक भी टाइम या एक भी समय ऐसा नहीं होता जब इस दुकान पे भीड़ नहीं होती। आइए हम भी मजा लेते हैं इनकी अमेजिंग चाट का, और कौन कौन सी है उसका हम आपको बताएंगे। आज हमारे साथ इस भीड़ को देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी फेमस ये दुकान है, और आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग भी इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं चाट खाने के लिए। और बहुत ज़्यादा वैरायटीज है इनके पास चाट की, आप टमाटर चाट की बात करें, आप आलू टिक्की की बात करें, आप चूरा मटर की बात करें, या आप गुलाब जामुन की बात करें, या आप यहाँ पे दही पूड़ी की बात करें, मतलब बहुत सारी वैरायटीज हैं जो चाट में बहुत फेमस है। लेकिन यहाँ पे लोग जो खाने आते हैं वो है टमाटर चाट, इसके लिए जाने जाते हैं। उसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चाट इन्जॉय कर रहे हैं। हम क्या खाएंगे, आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आइए हम भी लेते हैं मज़ा स्वाद और आप तक पहुँचाते हैं उसका स्वाद। आ जाओ, फाइनली आई हैव द मोस्ट फेमस टमाटर की चाट, और इसके लिए तो भाई बनारस के लोग दीवाने हैं ही हैं। तो आइए हम भी ट्राई करते हैं बनारस की चाट, जो कि है टमाटर की चाट, और कैसी है ये आइए आपको बताते हैं। सरकार अमेजिंग, आपने इसकी मेकिंग देखी, टमाटर को पहले अच्छे से मैश किया जाता है, उसके अंदर मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके अंदर अदरक डाला हुआ है, उसके अंदर मैंने बड़ा एक स्ट्रेंज चीज़ देखी कि जो गुलाब जामुन की चाशनी है वो भी डाली गई है, इसके अंदर देसी घी पड़ा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारा धनिया है, इसके अंदर बहुत सारे मसाले हैं, और बहुत ही करारी, बहुत ही छटकारे वाली है, खट्टी मीठी चाट है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। और ऊपर से नींबू भी स्क्वीज़ किया गया है ताकि वो छटकारा और वो जो खटास है ना चाट में वो दी जा सके, बहुत ही अमेजिंग है। और एट सो देन वी हैव द सेकंड मोस्ट फेमस डिश ऑफ दिस शॉप, जो कि है चूरा मटर। जो चूरा है वो होता है एक्चुअली पोहा, और साथ में मटर है, उसके बाद आप देख सकते हैं जीरा है, अदरक है, थोड़ा सा धनिया है, और ऊपर से थोड़ा करारा डाला हुआ है, और साथ में काजू भी है। तो ये ट्राई करते हैं, बहुत ही ज़्यादा है। और आई थिंक अगर आपको शाम को कभी भूख लगे ना, और अगर आपको ज़्यादा हैवी ना खाना हो, तो यहाँ पे आके ना चूरा मटर खा लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है, और नींबू की भी खटास है, थोड़ा करारा भी है, चटकारा भी है, और मसाले तो बहुत ही अमेजिंग है ही इनके अपने पर्सनल खुद के पीसे हुए। ये हाईली रिकमेंडेड है, टमाटर चाट के साथ चूरा मटर ज़रूर खाइएगा। अगर मुझे अंग्रेजी के 3 शब्दों में इस दुकान को डिस्क्राइब करना हो तो मैं कहूँगा मैडनिंग, क्रेजी, क्योटिक। जी हाँ, इतना ज़्यादा रश मैंने किसी भी चाट की दुकान पे नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट में जाके बताना कहाँ पे देखा है। भाई यहाँ पे जाके तो एक मतलब मज़ा आ जाता है, एक अलग ही दृश्य है, और किस तरीके से लोग आके अपनी अपनी फेवरेट चाट इन्जॉय कर रहे हैं। कोई टमाटर चाट खा रहा है, कोई आलू टिक्की खा रहा है, कोई पतासे खा रहा है, कोई
सिर्फ पानी पी के जा रहा है बतासों का, कोई गुलाब जामुन खा रहा है, कोई समोसा चाट खा रहा है, कोई मट्ठी चाट खा रहा है, मतलब एंडलेस है भाई लिस्ट तो यहाँ पे। और सब कुछ इतना अमेजिंग है कि यार मुझे भी यहाँ पे आके ना सचमुच मज़ा आ गया। और हर चीज़ मतलब अगर आप कोई भी चाट की बात करें तो उसकी कीमत है मात्र 35 रुपये। जी हाँ, सिर्फ 35 रुपीज़ में इतनी अमेजिंग चाट की ट्रीट आई डोंट थिंक सो आपको कहीं और मिल सकती है। अगर आपको गोलगप्पे चाहिए तो वो 25 रुपये के आई थिंक 6 हैं। और उसके अलावा इनके पास गुलाब जामुन भी मिलते हैं मीठे में, और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं। उसके लिए ये अनुभव आपको सिर्फ तभी मिल सकता है जब आप काशी चाट भंडार में आएंगे वाराणसी में, और मुझे बताएंगे कि आपको ये दृश्य ये अनुभव कैसा लगा। वैसे भी जो बनारस सिटी है वो तीन चीज़ों के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा घूमती है, एक दूध के, एक मलाई के, और आई थिंक एक रबड़ी के। तो यहाँ पे हमें एक ऐसी दुकान मिली है जो कि फ्रेश रबड़ी, फ्रेश मलाई और फ्रेश दूध को काट रही है, और जो देखने वाला दृश्य है ना वो बहुत अमेजिंग है। मेरे साथ एक भाई साहब, क्या नाम है सर आपका? दिनेश यादव। दिनेश यादव भाई, ये कब से कर रहा आप ये काम? ये तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, मेरे पिताजी भी किए हैं, दादाजी भी किए हैं। क्या बात है, मतलब पुश्तैनी काम है आपका, तीसरा पीढ़ी चल रहा है। क्या बात है। तो ये एक बात बताइए, आप मुझे बता रहे थे अभी कि किस तरीके से मलाई को आप तैयार करते हैं? ये दूध को गर्म करते हैं, मलाई आता रहता है, हटता रहता है, और ये रबड़ी बन रहा है, वो सब मलाई बन रहा है। क्या बात है। और उसके और वो कितने रुपए किलो है? ये 500 रुपए किलो मलाई है। रबड़ी के ऊपर जो देंगे आप? रबड़ी के ऊपर जो ये है देंगे खुरचन। खुरचन, और ये खुरचन का क्या प्राइस है? ये 900 रुपए किलो है। 900 रुपए किलो है जी ये खुरचन। और इससे ज्यादा प्योर आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो ये आप भैंस के दूध के ही बनाते हैं? भैंस का। तो लगभग आप कितना बना लेते हैं? 10 किलो मलाई बना लेते हैं। 10 किलो मलाई आप सोच सकते हैं। और रबड़ी भी 10 किलो। और बाकी लोग गर्म दूध भी पीना चाहते हैं तो मिल जाता है। सबसे अमेजिंग चीज़ इसकी है कि जो इसका स्मोकी फ्लेवर है ना, क्योंकि इसको बनाया जाता है सिर्फ लक्कड़ पे, और जो गाय के उपले होते हैं उसके साथ इसका इसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, इसलिए बहुत ही स्मोकी फ्लेवर आ रहा है और बहुत ही अमेजिंग खुशबू भी आ रही है। आई रियली कांट वेट टू ट्राई दिस एंड आई वांट टू ट्राई द मलाई एंड द रबड़ी बोथ ऑफ देम सेपरेटली। तो आइए हम इनसे आखने से जल्दी है जलता है। क्या बात है। ये देखिए ना, ये प्रोसेस है जी, बहुत बनने से जल्दी आता है। ये बचपन से ये काम कर रहे हैं, तो आई थिंक इनसे ज़्यादा ट्रेंड मैंने कोई नहीं देखा, और इससे ज़्यादा ट्रेंड शायद कोई हो भी नहीं सकता। और जिस तरीके से मलाई को निकालते जा रहे हैं हर एक मिनट के बाद, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि अगर आप लेट हो जाएंगे तो मलाई और पकने लग जाएगी और वो रबड़ी की फॉर्म ले लेगी। तो बहुत ही अमेजिंग तरीका है, लेकिन ये सिर्फ एक हुनार कारीगर ही कर सकता है। दिन भर जो यहाँ लोग बनारस में लोग काम करते हैं, जब वो दुकान बंद करके अपने घर जाते हैं तो मलाई रबड़ी अपने घर ले कर जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते हैं। ये एक पौष्टिक चीज़ है, दूध से बना सामान जो है बनारस का एक फेमस चीज़ है। भाई ऐसी सौगात आपको सिर्फ वाराणसी के अंदर ही मिल सकती है। एक ऐसी दुकान है जो कि वाराणसी की जो तीन सबसे फेमस चीज़ें हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो मलाई हो, चाहे वो रबड़ी हो, वो यहाँ पे बेचते हैं, और गर्मियों में ये लस्सी बेचते हैं। और जिस तरीके से इसको तैयार कर रहे हैं ना भाई, देख के ये ऐसा एक दृश्य है जिसको आप अपने साथ संजो के रखना चाहेंगे, और ये दृश्य आपके दिल में तो घर करना लाजमी है ही है। और ये है जी वो ताज़ी मलाई जो कि इन्होंने अभी अभी दूध से उतारी और हमें दी है 50 ग्राम। इसकी कीमत आपने कितनी बताई? 25 रुपए की 50 ग्राम ये क्रीम है। आप घर ले जाइए, ब्रेड पे लगाइए, नहीं तो ऐसे खाइए। और जो यहाँ की वाराणसी की भाग दौड़ है ना, उसके बाद ये खाएंगे तो ऐसे पच जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं और के निवासी हैं दिल्ली के, तो भाई इसको खा के तो आपको बहुत दौड़ लगानी पड़ेगी मेरी तरह। तो आइए हम ट्राई करते हैं कि मोस्ट फेमस मलाई ऑफ वाराणसी, और वो भी एकदम ताज़े दूध से निकली हुई, एकदम ताज़ी और एकदम लाजवाब। आई कांट वेट टू ट्राई दिस। आइए। भाई लाजवाब है, गजब है, और मज़ा आ गया है। अगर ये चीज़ ऐसी फ्रेश चीज़ अगर मुझे दिल्ली में मिल जाए ना, तो आई थिंक मेरे को 2 किलोमीटर दौड़ भी लगानी पड़ेगी ना, रोज़ तो मैं लगा लूँगा, क्योंकि इतनी फ्रेश क्रीम आपको, मलाई आपको सिर्फ यही मिल सकती है। और कितना अमेजिंग तरीका यार, ये दृश्य ना बहुत लाजवाब है। तो आइएगा, आप जब भी वाराणसी आएगा तो किसी से भी पूछ लीजिएगा कि रजाई सरदार स्वीट्स पे जाना है, कोई भी आपको गाइड कर देगा, नहीं तो मैप में डाल लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको गूगल लिंक दे ही दूंगा, वहाँ से करेक्ट करते करते आप सीधा यहाँ पहुँचेंगे, और आपको यादव जी मिलेंगे जो कि यहाँ पे बड़े बड़ी परातों के अंदर यहाँ पे दूध, मक्खन, मलाई और साथ साथ रबड़ी भी तैयार करते हैं। तो आइए खाइए और बताइए कि आपको ये जो मलाई है वो कैसी लगी।
आखिरी चीज़ है जी इवनिंग की, और ये है जी छेना पायस। इसकी मैं इंतज़ार कर रहा था क्योंकि 6 बजे नहीं थे, दुकान लगी नहीं थी, अब बज चुके हैं और दुकान लग चुकी है और मेरे सामने है छेना पायस। आ जाओ जी ट्राई करते हैं। हमने लिया जी 100 ग्राम, 35 रुपये इसकी कीमत है, 350 रुपये किलो है इसका वैसे प्राइस जो है। आइए जी इसको भी ट्राई करते हैं, द मोस्ट फेमस। भाई वाह, बहुत सारी जगहों पर छेना पायस खाया है ये, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट है भाई, बहुत ही अमेजिंग है। इलायची का पाउडर है जो छेना पाव से बिल्कुल सॉफ्ट है, मुंह में रखते ही घुल जाता है। साथ में जो उसका ये दूध है ना, ये दूध कम रबड़ी ज़्यादा है जी, बहुत देर तक इसको पकाया गया है, उसके बाद जो इसका स्वाद है वो बहुत ही लाजवाब है। उसके बाद हमने अपनी वीडियो एंड करी यहाँ पे आके, दूध पी के और साथ में थोड़ा सा रबड़ी खा के, साथ में क्रीम खा के, साथ में मलाई खा के और साथ में थोड़ी सी वो छेना पायस खा के, सब कुछ इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था कि मुझे वाराणसी में फिल्म करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आपको वाराणसी आना है, आप हमारी वीडियोस देखिए, आप कमेंट्स में जाके हमें कमेंट कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए हमें कहाँ कहाँ जाके आपके लिए नया खाना एक्सप्लोर करना चाहिए। मेरे खाने की तलाश आपके लिए यूँ ही जारी रहेगी और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई जगह पर एक नए खाने की तलाश में। बाय बाय।